हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा वेरॉक इंजीनियरिंग के स्टॉक के बारे में। हालांकि इस स्टॉक पे मैंने शायद आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया आपको, बट आज इस स्टॉक पे मैं स्पेशली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले आपने इस स्टॉक में 20% का सर्किट लगते हुए दिखा। वो सर्किट खुला, स्टॉक करीब 7-8% की क्लोजिंग दी। स्टॉक में काफी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन करा क्योंकि टीवी पे इस तरीके से स्टॉक की डील को दिखाया। क्या थी वो खबर जिसके चलते स्टॉक भागा था, और आज किस लिए स्टॉक 13% इंट्राडे में डाउन देखने को मिल रहा है। 31 लाख शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं 7.1 लाख शेयर्स के एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स शेयर से ज्यादा स्टॉक ट्रेड कर चुके हैं। और अभी 11:13 हो रहे हैं, यानी मार्केट खुली हुई 2 घंटे हुए, जिसके बीच में स्टॉक बहुत हैवीली वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं, हैवी गिरता हुआ दिख रहा है। लगभग स्टॉक ने 380 रुपीज का आज का लो लगाया, 396 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और आज का हाई देखो 439 रुपीज का है, 435 पे ओपन हुआ। इस स्टॉक में गिरने के पीछे का कारण क्या है वो जानेंगे इस स्टॉक की जो डील थी उसका वैल्यूएशन और आगे आउटलुक कैसा हो सकता है, क्योंकि एनालिस्ट ने काफी बढ़ चढ़कर इस स्टॉक को रिकमेंड कर दिया, 1000 रुपए के टारगेट दे दिया, और उसके बाद लोग भी पार्टिसिपेशन में उतर गए और आज फॉल देखने हैं तो वो कहीं ना कहीं पैनिक में आ गए। तो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। देखिए, वेरॉक इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको 5-6 दिन पीछे ले जाना चाहूंगा, जहां स्टॉक में इंट्राडे में 20% का सर्किट लगता हुआ दिखा था। क्या थी वो खबर उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं न्यूज थी, पहले इसका मार्केट कैप देख लीजिए आप। मार्केट कैप जो इसका 5,800 करोड़ के करीब का, यानी 5,800 करोड़ का मार्केट कैप है। और न्यूज थी, कंपनी अपना यूरोपियन जो सेल, जो यूरोपियन बिजनेस है उसको बेच रही है, यूरोपियन जो बिजनेस है उसको सेल कर रही है, और जो डील का अमाउंट था वो डील का अमाउंट था अराउंड 6,000 करोड़, यानी पूरे मार्केट कैप से भी ज्यादा का वो है। अब वो जैसे ही बिकता है और वैसे ही उनपे 6,000 करोड़ का आता है, दैट मीन्स आप कंपनी के वैल्यूएशन नेट डबल होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप नेट डबल वैल्यूएशन, नेट मार्केट कैप डबल होगा, दैट मीन्स स्टॉक का प्राइस भी नेट डबल होना चाहिए, यानी 400 का 800, और उस टाइम 450 तो 900। इसके चलते एनालिस्ट ने इसको बाय रिकमेंड कर दिया। अब स्टॉक आज के सेशन में गिर रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे का, रीजन सामने निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट जैसा कि पता फ्यूचर डिस्काउंट करती है, तो ये भी हो सकता है उस डील में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उस डील में कोई दिक्कत आ रही हो, इस तरीके की कुछ हो सकता है। और नहीं होगा तो ये एक केवल और केवल रिएक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है, और यहां बने रहने की सलाह है। ठीक है, अभी स्टॉक की डिटेल्स में आपको वैल्यूएशन देंगे क्योंकि गिर गया है काफी ज्यादा, तो जिनके पास है वो पैनिक हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो इसके फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा, 395 रुपीस के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और अगर इसके फाइनेंशियल्स देखूं मैं, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स कितना होल्ड करते हैं वो देख लें, तो 75% होल्ड करते हैं, जो एक प्रमोटर मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, तो दैट मीन्स सेफ हैंड में है स्टॉक, ये आप कह सकते हैं। FIIs का भी पार्टिसिपेशन 3.92% का है, यार ये बहुत अच्छा है। और DIA म्यूचुअल फंड का देखें तो 14.86 करोड़ का है। अदर्स की बात करें तो कुछ है ही नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, तो मात्र 6.22% का है। तो केवल और केवल ये आपको प्राइस एक्शन में करेक्शन देखने को मिल रही है, सेलिंग प्रेशर मैं नहीं मानता इस स्टॉक को, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास तो शेयर ही नहीं है। और ऊपर से देखा जाए तो एक डील हुई है इस स्टॉक में, लगभग इस स्टॉक की जो डील्स की बात, ब्लॉक डील हुई थी 29 अप्रैल को 33 करोड़ रुपीस की, जो कि 475 रुपीस, यानी ऊपर किसी ने प्रॉफिट बुक करा है। जो शेयर्स की, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 6,94,765 शेयर्स की ब्लॉक डील थी ये। तो यही सब चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मतलब कहने वाली बात यह कि स्टॉक में जो एक गिरावट है इसका कोई मतलब नहीं बनता था, ये केवल और केवल आपको एक प्रॉफिट बुकिंग के रूप में देखना चाहिए या फिर एक प्राइस करेक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टॉक में 6,000 करोड़ का बिजनेस अगर बिकता है तो स्टॉक के पास सारा डेट खत्म हो जाएगा, कंपनी के पास कैश भी हो जाएगा अवेलेबल, तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर बन जाएगा एक तरीके से। और स्टॉक की बात करें तो अभी इस लेवल पे अगर सपोर्ट की बात करूं तो स्टॉक में नेक्स्ट सपोर्ट जो है 389.85 रुपीस का है, और उसके नीचे 360 रुपीस के एक बड़े SL, बड़े टारगेट, बड़े स्टॉप लॉस है, जहां पे स्टॉक ने करीब करीब काफी टाइम दिन बिताया है, कंसोलिडेट करा है स्टॉक। ठीक है, तो उसके बाद और आपको ऊपर के लेवल्स बताएं तो पहला टारगेट 493 और ऊपर में जो इसने हाई लगाया वो तो है ही है। स्टॉक अगर 360 ब्रेक करता है तो स्टॉक में आपको कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट आ सकती है, जहां 300 रुपए तक जा सकता है, बट मुझे लगता है जिसके पास है
वो बना रहे 360 के SL से, यहां से थोड़ा सा और नीचे का डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूं क्योंकि करेक्शन हैवी है वॉल्यूम्स के साथ, तो हो सकता है फॉलो ऑन बिकवाली आती हुई दिखे, इसलिए आप डीप करेक्शन डीप SL के साथ होल्ड करने की सलाह होगा, क्लोजिंग बेसिस का SL लगाए और स्टॉक में बने रहने की सलाह है। जब आपको उछाला है तो आप निकल भी सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि काफी अच्छी प्रमोटर्स की होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा दिख रहा है और जो डील है उसमें जब तक कोई दिक्कत नहीं आती तब तक स्टॉक पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये पूरी वीडियो मेरी वेरॉक इंजीनियरिंग शेयर पे, होप आप सभी को समझ पसंद होना आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।